अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो के साथ आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के मबैन होने वाले माहदे के बाद आज नया एक इंकशाफ हुआ है कि इसराइल के चीफ जो हैं वो खुफिया एजेंसी के डायरेक्टर इस वक्त दुबई यानी अरब इमारात में मौजूद हैं। दोस्तों ये आपको बताते चलें कि गैर मुल्की खबर एजेंसी ने भी इस चीज़ की तस्दीक कर दी है कि उनके जो चीफ हैं डायरेक्टर हैं खुफिया एजेंसी के वो इस वक्त दुबई में मौजूद हैं और दोस्तों उनकी मुलाकात वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से भी हुई है और दोस्तों उस मुलाकात में उन्होंने दोनों ममालिक के दरमियान रवाबत बढ़ाने और तजारती सरगर्मियाँ बढ़ाने पर भी बहस मुबहसा किया है। जी दोस्तों ये अहम वीडियो थी कि जब से यूएई और इसराइल के दरमियान अमन मुआहदा हुआ है तो उनके जो चीफ एंड डायरेक्टर हैं खुफिया एजेंसी के तो वो इस वक्त यूएई में मौजूद हैं और दोस्तों उनकी मुलाकात जो उनके यूएई और मुत्तहिदा अरब इमारात के अफीसर्स हैं उनके साथ मुलाकातें हो रही हैं। दोस्तों तो ये थी अहम खबर। दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि सऊदी अरब दौरे पर थे, दोस्तों उनके पहले जो गए हुए थे वो थे रियाज में, उनकी भी मुलाकातें हुई थी अफीसरान के साथ। दोस्तों आज उनकी भी मुलाकातें सऊदी अरब के दूसरे जो वज़रा हैं उनके साथ भी मुतवक्के हैं। दोस्तों उनकी जो मुलाकात है वो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जितनी भी कशीदगियाँ हैं उनको दूर करने के सिलसिले में होगी। तो दोस्तों ये थी अहम वीडियो जो आप दोस्तों के साथ शेयर करने थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक ले चाहते हैं इजाज़त, अल्लाह निगहबान।